Welcome students, today we are going to start lesson 2 more on MS Windows 7. Okay, MS Windows is an operating system that is used in our personal computers or laptops. Ye jo MS Windows 7 hai, that is the most used operating system. It helps the computer to work, it gives a computer an environment to work. Okay, MS Windows ke bahut sare versions hote hain. MS Windows 95, MS Windows 98, MS Windows 2000, MS Windows Vista, MS Windows XP. Okay, these are versions of Windows, यानी flavors, मतलब flavors भी हम कह सकते हैं, versions भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं. We commonly use Windows 7, MS Windows 7 as the operating system. बहुत common होता है हमारे PCs में, वही होता है. Then it provides us a graphical user interface. It is very friendly. बहुत friendly होता है, हमको बहुत easy होता है work करना. And because of this interface, we can very easily work on our computers. ये क्या होता है? This gives us important icons देते हैं हमको computer के ऊपर. जब भी आप desktop पे login करते हैं, computer पे login करते हैं, आपके सामने कुछ icons बने हुए आते हैं. और उन icons पे आप जब click करते हैं, तो आप उस location पे पहुंच जाते हैं जहां आपने अपना डेटा सेव कर रखा होता है. तो वो आइकन्स जो होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इट इज अ वेरी फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जिससे कि आप इजीली अपना वर्क कर सकते हैं. देयर आर सम फीचर्स ऑफ विंडोज 7, वो क्या है, लेट्स सी. इट हैज अ कलरफुल थीम. कलरफुल थीम आपको देते हैं जब भी आप डेस्कटॉप पर लॉग इन करते हैं. आपको एक ब्यूटिफुल सा पीछे एक आपको बैकग्राउंड मिलता है, उसमें जो कलर्स मिलते हैं, दैट आर वेरी ब्यूटीफुल. आप उसमें कलर्स को अपने हिसाब से आप उसमें चेंज कर सकते हैं. देन न्यू फीचर्स, मेनी न्यू फीचर्स आर ऑल्सो डेवलप्ड. लाइक आपको जो है आइकन्स, आपको डिफरेंट जैसे गोल आप उनको रख सकते हैं, स्क्वायर रख सकते हैं. देन इम्प्रूव प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स भी आपको न्यू न्यू डेवलप होते रहते हैं, जो आपके टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है. देन फास्टर स्पीड, इट इज फास्टर देन द प्रीवियस वर्जन. जल्दी ये ओपन होते हैं, जल्दी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करना चाहें, जल्दी ओपन होते हैं. देन न्यू टेक्नोलॉजीज आर देयर दैट इज रन इन द बैकग्राउंड. आपके बैकग्राउंड में वो अपने आप ऑटोमेटिकली रन होता रहता है. आपको उसमें मतलब सामने आपको कुछ नहीं दिखता है, आप वर्क करते रहते हैं, बट बैकग्राउंड में आपकी टेक्नोलॉजीज रन होती रहती है, जो आपके वर्क को इम्प्रूव करती हैं. देन सिक्योरिटी टूल, सिक्योरिटी टूल इसके लिए होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई हैक नहीं कर सके, आपके कंप्यूटर में कोई भी लॉगिन करके इम्पोर्टेंट डेटा उसमें से नहीं चुरा सके. तो आप अपडेटेड सिक्योर मतलब